अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मीना रईस। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मीना रईस। होप यू ऑल आर फाइन, सेफ एंड हेल्दी। लंच रेसिपी में आज हम शेयर कर रहे हैं हर दिल अजीज़ गर्मा गर्म बेसन की रोटी और साथ में टमाटर की यूनिक सी चटनी। इजी और सिंपल वे में बनाएंगे और बहुत क्विकली बनाएंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। आई होप रेसिपी पसंद आएगी। थम्स अप दें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए जनाब, चलते हैं रेसिपी की जाने। चलें जी, अल्लाह के बाप बरकत नाम से रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने डो प्रिपेयर करनी है। ये हमारे पास 1.5 कप के बराबर बेसन है। इसके अंदर हम 1 कप आटा ऐड कर रहे हैं। मेरे पास ये गेहूँ का आटा है, आपके पास जो भी हो वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, साथ ही अब जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो कुछ इस तरह से हैं। हरा धनिया हमने लेना है हसबे ज़रूरत। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, जितना आपको पसंद हो आप इसके अंदर ले सकते हैं, अच्छा लगता है कलरफुल। 1/2 टीस्पून के बराबर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं लिया कि जब हम पराठा या रोटी बेलते हैं तो वो निकलने का ख़तरा होता, फट जाती है रोटी। अच्छा, अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं पुदीना है, ये सूखा पुदीना। इसको हमने हथेली की मदद से बिल्कुल मैश कर लिया है। कलौंजी है और साबुत ज़ीरा है, ये 1/2 टीस्पून है ये सारी चीज़ें। सॉल्ट टेस्ट टू अकॉर्डिंग, चाट मसाला टेस्ट टू अकॉर्डिंग 1/2 टीस्पून लिया है। रोस्टेड ज़ीरा है, रोस्टेड धनिया है 1/2 टीस्पून लिया है। गरम मसाला है, रेड चिल्ली पाउडर है, चिली फ्लेक है 1/2 टीस्पून लिया है। आप इन सब चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 ड्रॉप हम ऑयल के ऐड करेंगे इसके अंदर। और अब हमने रूम टेम्परेचर पानी पर पहले इसको हम मिक्स करेंगे। फिर हमने ये रूम टेम्परेचर पानी लिया है, इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है, एक साथ ऐड नहीं कर देना है क्योंकि बेसन के अंदर पानी बहुत कम जाता है। थोड़ा थोड़ा हम ऐड करेंगे इसके अंदर इस तरह से। और इसकी एक अच्छी सी हमने डो तैयार कर लेनी है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड करनी है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करनी है। हाथों की मदद से नहीं, फिंगर की मदद से, जो पोरुए कहलाते हैं ना, इनकी मदद से। देखिए, हाँ, थोड़ा सा पानी डाला होगा, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने, और कितना सारा आटा जो था इसके अंदर बाइंड हो गया, ये देखें। तो हमने बस इस बात का ख्याल करना है, थोड़ा थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है और उसकी अच्छी सी एक डो बना लेनी है। देखिए, इस तरह की हमने बिल्कुल डो तैयार कर लेनी है, ना ये हार्ड है ना सॉफ्ट है, इस तरह की। अच्छा, 1 से 2 ड्रॉप हमने इस पर ऑयल स्प्रिंकल करने हैं, फिंगर की मदद से उसे फैला लेना है। अब इसे कवर कर कर थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी चटनी की तरफ। चटनी के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं, हरा धनिया हसबे ज़रूरत, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, आप 3 भी ले सकते हैं, हरी मिर्ची हसबे ज़रूरत, 4 से 5 लहसुन के जवे लिए हैं। और इसके अंदर जाएंगी कुटी हुई मिर्च, साबुत ज़ीरा और नमक। ये टेस्ट अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने बिल्कुल इसका बारीक सा एक पेस्ट बना लेना है, जिसे चटनी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए हमने एक स्मॉल साइज का पॉट लिया है, इसमें 1 से 2 टेबल स्पून के आसपास ऑयल ऐड करेंगे। ये अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, अब इसके अंदर हमें जो चीज़ ऐड करनी है, एक तरह से भगार हमने तैयार करना है। 2 से 3 साबुत लाल मिर्च लेनी है और लहसुन के जवे लेने हैं। 1 लहसुन लिया है, उसको हमने चॉप कर लिया है, और 1/2 टीस्पून से भी कम हमने ज़ीरा लिया है। ये इसमें ऐड करेंगे, हल्का सा सौते करेंगे, कोई कलर वगैरह नहीं देना है। अच्छी सी खुशबू आने लग गई है इसके अंदर से। अब हम इसके अंदर जो हमने चटनी अपने तैयार की थी, चटनी का बेटर, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे केयरफुली, सारा ऐड कर देंगे, पूरे मिक्सचर को साफ कर लेंगे मिक्सी के जार को। अच्छा, अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। गैस फ्लेम अभी हमने इसकी थोड़ी सी हाई कर देनी है और हमने इसको बिल्कुल भून लेना है। जितना भी इसका मॉइस्चर है, टमाटर का पानी है, वो सब ड्राई हो जाएगा और ये बड़ी अच्छी सी यूनिक सी चटनी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे करना है। अच्छा, कवर करके हमने इसका टाइम कंप्लीट किया है, इसको भूना है, क्योंकि इसकी छींटे बहुत उड़ती है ना, तो फिर इर्द गिर्द का जो हमारा किचन का एरिया है,
हमारा काउंटर है वो ज़रा मैसी हो जाता है, मैसी मैसी सा, इस बात का ख्याल रखना है। 10 से 15 मिनट लगे हैं, देखें इसका सारा पानी मॉइस्चर जो है जितना भी है सब खत्म हो गया है, और इस तरह से ये बुलबुले बनने शुरू हो गए हैं। इसका ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया, इसका मतलब है कंप्लीट भुन गई है ये। और देखें कितना दानेदार बन के तैयार हुआ है, ये बड़े मज़े की बनती है, ये बड़ी यूनिक सी बनती है। ज़रूरी नहीं है आप इसे बेसन की रोटी या पराठे के साथ खाएं, आप इसे खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे राइस दाल चावल जो बनते हैं आप उसके साथ भी खा सकते हैं, मटर पुलाव के साथ खा सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट में हमने ऐड करना है इसके ऊपर लेमन जूस, 1 से 2 लेमन का आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चटनी हमारी बिल्कुल डन है, रेडी टू ईट है। अब लास्ट में हमने इसके ऊपर ऐड करना है मज़ीद खूबसूरती के लिए थोड़ा सा हरा धनिया। गैस फ्लेम ऑफ करते हैं और हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, बेसन की जो हमने डो बना के रखी थी उसको आप चाहें तो 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, जितना आप कवर कर सकते हैं उसको डिवाइड करके, और हमने उसको अभी आधा पोर्शन लिया है, एक पोर्शन का हमने इस तरह से इसका एक बॉल बना लिया है, पेड़ा बना लिया है। इसको हमने नॉर्मली रोटी की तरह बेल लेना है, थोड़ा बड़े साइज़ में बेलना है, साइज़ आप पे डिपेंड करता है, मैंने थोड़ा पतला ही इसको रखना है। अच्छा, और इसकी हमने ना बहुत बड़ी रोटियां नहीं बनानी हैं, नॉर्मल सी छुबल के, मैं तो छोटी ही रोटी बनाऊंगी इसकी अभी। खुश्कर डस्ट करने के बाद अब हम रोलर पिन की मदद से इसको इक्वली बेल लेंगे, बड़ा सा बेलेंगे इसे, फिर आगे का तरीका मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैंने देखिए इसे बड़े साइज में एक हिस्सा इसका बेल लिया है, आधा हिस्सा अभी भी रखा हुआ है। अच्छा, हमने इसकी बनानी है छोटी छोटी रोटियाँ, मिनी रोटियाँ बनानी है या पराठे बनाने, ठीक है। तो उसके लिए हम इस तरह का ये लेंगे डिश का, या जो भी आपके पास कंटेनर होते हैं उनके ये कवर होते हैं, बड़ी आसानी से कट जाएगा ये, देखिए बिल्कुल गोल बनेगी रोटी। इस तरह इसको प्रेस करेंगे, ये देखें अब देखने कितनी बन जाती है, 3 तो मेरे ख्याल से बन जाएंगी इसमें बड़े आराम से, देखें बड़े आराम से 3 बन गई हैं, और देखें बिल्कुल गोल इक्वल साइज में बनी है चारों। अच्छा, इसको हमने ज़ाया नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, इसको हमने दूसरे रोटी या पराठे के लिए ले लेना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मिनी साइज की ये, हमेशा बड़े बड़े बनते हैं। इसे पहले मैं भी पराठे की रेसिपी, बेसन के पराठे, बेसन की रोटी की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। अच्छा देखिए, ये जो बचा है इसका मैंने एक बॉल बना लिया, इसको नेक्स्ट उसमें ले लेंगे, हम नेक्स्ट बैच में ले लेंगे। इस तरह हम तमाम रोटियां बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, अब एक पैन लेंगे, पैन लें या तवा लें जिसमें आपको ईजी लगे, वो हमने पहले प्री हीटेड कर लिया था, अब मीडियम फ्लेम पर हमने इन्हें फ्राई करना है, पकाना है, सेकना है। एक पराठा हमने, रोटी कह लें पराठा कह लें, क्योंकि इसके ऊपर घी लाजमी लगता है, घी या बटर लाजमी लगता रहे, बेसन होता है ये, अगर हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही हम सेक लेंगे ना तवे पर, घी या बटर नहीं लगाएंगे तो वो सूखा सूखा मज़ा नहीं देता है, तो थोड़ा सा हमने घी या ऑयल इसके अंदर लगाना होता है। साइड चेंज करेंगे, अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे घी, आप चाहें तो बटर भी अप्लाई कर सकते हैं। घी अप्लाई करेंगे हल्का सा, साइड चेंज करेंगे, अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे देंगे। ये देखिए खूबसूरत सा कलर आ गया है, बस उलटते जाएंगे पलटते जाएंगे, इस तरह दबा दबा के हमने अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे देना है इसके ऊपर। देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है, माशाल्लाह से ये भी कलरफुल लग रहा है। एक दो मरतबा हमने इसकी साइड चेंज करनी है, उलटना है पलटना है, अच्छी तरह से प्रेस करना है, और देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा ये पराठा बन के रेडी हो गया। कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। इसी तरह हम सारे अपने पराठे बना के तैयार कर लेते हैं।
तकरीबन सारे पराठे हमारे बन गए हैं। अब आपका जैसा दिल चाहे आप इन्हें सर्व करें, चटनी के साथ, रायते के साथ, अचार के साथ या चाय के साथ। गैस फ्लेम ऑफ करते हैं, इन्हें सर्व करेंगे, मज़े से खाएंगे। आई होप रेसिपी आपको पसंद आएगी। फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलूंगी एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।